मेकअप इज एन आर्ट, मेकअप क्या होता है, कला होती है मेकअप, ठीक है ना, जिसको हम किसी का भी फेस है कैसा भी है हम उसको सुंदर दिखा सकते हैं मेकअप में, ठीक है ना, फीचर्स को चेंज करना, सिर्फ एक काले को गोरा करना ही मेकअप नहीं होता, फीचर्स को चेंज करना भी मेकअप होता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, पहले क्लाइंट का जो भी जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं उसके चेहरे को पहले पहचानना होता है, चेहरा जो हमारा फेस का शेप होता है वो पता है कितने टाइप के होते हैं हमको, 7 टाइप के होते हैं, 7 प्रकार के हमारे फेस के शेप होते हैं, हमें सबसे पहले वो पहचानना होता है कि क्या इनका फेस कैसा है, उनके इमोशंस को पहचानना होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का फेस क्या होता है, कोई हमेशा उदास सा लगता है, चाहे वो है भी नहीं फिर भी लगता है, उसके वो फेस के इमोशंस ही होते हैं। तो उस चीज को हमें पहले पहचानना है कि हम जिसका मेकअप कर रहे हैं वो किस तरह दिख रहा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको उभारने के लिए दो चीजों से काम करेंगे, एक क्या होगा शेडिंग और दूसरा होगा हाईलाइटिंग, ठीक है। शेडिंग क्या होता है, जो फेस का उभरा हुआ पार्ट है, जो भी फेस का उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ क्या है, जैसे एक नोज है, नोज अगर मोटा है तो इस तरह से उभरा ही हुआ है ना, ये मोटा है, तो उसको हम दबाने के लिए क्या करेंगे, शेडिंग, किसी भी पार्ट को दबाने के लिए करेंगे शेडिंग और उभारने के लिए करेंगे हाईलाइटिंग, ठीक है, समझ आ गई। जो उभरा हुआ पार्ट है शेडिंग करते हैं, पर बोलते हैं उसको हील्स बोलते हैं, और जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको वेली, ठीक है। तो हम हील्स और वेली में काम करते हैं, दबे हुए पार्ट को उभारने के लिए हम करते हैं हाइलाइटिंग, और समझ आ गई। मैं ये वाला एरिया यहां से देखो दबा हुआ है, आंखों के नीचे क्या है, थोड़े थोड़े से डार्क सर्कल है और थोड़ा सा ये यहां से दबा हुआ भी है, ये थोड़ा सा निकला हुआ है, यहां से निकला हुआ है, यहां से दबा हुआ है ना। पहले हमने इस चीज की पहचान कर ली है, ये वाला पार्ट भी दबा हुआ है, ये हल्का सा निकला हुआ है, तो क्या है, जो दबा हुआ है उसको हमने बाहर निकालना है, जो उसे हमने दबाना है, ठीक है। तो अच्छा, हम जब मेकअप करते हैं तो हम सबसे पहले आईज मेकअप करेंगे, आईज मेकअप क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब आईज पे काम करते हैं ना, हमारा हाथ फेस के और भी पार्ट पे लगता है, तो वहां से क्या होता है, बेस जो हमारा पहले लगा होता है वो उतर जाता है, तो वो मेकअप ना पैची दिखता है, एक कारण ये भी होता है, इसलिए आई मेकअप सबसे पहले करना चाहिए हमें। ये बेस है,